अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजहार नापसंदीदगी, फौज पर की जाने वाली तनकीद को बिला जवाब करार दे दिया। दहशतगर्दों ने फिर इस्लामाबाद को निशाना बना डाला, फ्रूट मंडी में धमाके से जहां बहक अफराध की तादाद 24 हो गई, लवाहिकीन प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। 5 से 7 किलो बारूदी मवाद अमरूद की पेटियों में छुपाया गया था, शरकपुर से अमरूद भिजवाने वाले अफराध और गुड्स ट्रांसपोर्टर से पुलिस की पूछताछ। गुज़श्ता हुकूमत ने 1 अरब के स्कैनर्स मंगवाए, सब नाकारा है, चौधरी निसार का इंकशाफ, कहते हैं किसी भी सूबे की पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। कल अदम तहरीक तालिबान की इस्लामाबाद फूड मंडी धमाके की मजम्मत, तर्जुमान का कहना है कि अवामी मुकामात पर हमले और बेगुनाह अवाम को निशाना बनाना नाजायज और हराम है। सराज उल हक ने जमात इस्लामी के नए अमीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया, कहते हैं जाती कामों पर जमात के कामों को तरजीह देंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इन्हें नवासी जंग का इलेक्शन कालेदम करार दे दिया, नवाज लीग के शेख अकरम रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट के खिलाफ जस्टम की कॉल पर्सन के कई शहरों में हड़ताल, कारोबारी मराकज और ट्रांसपोर्ट बंद रही। पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर मालियत के यूरो बॉन्ड जारी कर दिए, मुद्दत 5 और 10 साल होगी, नीलामी में पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर की पेशकश मौसूल हुई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ का चीफ सेलेक्टर का ओहदा कबूल करने से इनकार, बोर्ड इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म लूसी के नए ट्रेलर ने शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया।